हेलो फ्रेंड्स, बनारसी यादें ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। क्षमा चाहूँगा, ये वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया। तो आज का ये ब्लॉग नग्नथैया लीला, जो कि वाराणसी के तुलसी घाट पर पिछले 400 वर्षों से मनाया जा रहा है, इसका शुभारंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा ही किया गया था। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सारी उसकी तैयारी हो चुकी है। कदम का पेड़ है जहाँ से भगवान श्री कृष्ण अभी छलांग लगाने वाले हैं, और पानी में सिक्योरिटी, नाविक और सबका इंतजाम किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये हमारे वो भाई बंधु हैं जो कि भगवान श्री कृष्ण का किरदार निभाएंगे। भगवान श्री कृष्ण का रूप धरे ये बालक कितने सुंदर प्रतीत हो रहे हैं, और घाट का ये सुंदर दृश्य सबको पसंद आ रहा है। आज इस कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत से लोग बहुत दूर दूर से यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जो कि ये मनोहर दृश्य का आनंद लेना चाहते हैं। और हमारे फोटोग्राफर भाई बंधु और समस्त लोग यहाँ पे अपनी फोटोग्राफी और चीज़ें कर रहे हैं, ताकि वो इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित कर सके। तो मुख्यतः इस कार्यक्रम में भगवान श्री कृष्ण की एक लीला का रूपांतरण किया गया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेल रहे होते हैं, और खेलते खेलते उनकी गेंद यमुना नदी में गिर जाती है, जिसमें एक विशाल का कालिया नाग रहता है, जिससे पूरे गांव वाले भयभीत रहते हैं। श्री कृष्ण यमुना नदी में छलांग लगाते हैं, और एक लंबी लड़ाई के बाद कालिया नाग आत्मसमर्पण करता है, और यह वादा करता है कि वह कभी किसी भी गाँववासियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, और कालिया नाग भगवान श्री कृष्ण को अपने मस्तक पे उठा लेता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण लीला को प्रारंभ करने के लिए कदम के पेड़ की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ से वो छलांग लगाएंगे। और ये देख सकते हैं आप कि अभी वो कदम के पेड़ पर चढ़ रहे हैं, जहाँ से वो कुछ समय में छलांग लगाने वाले हैं। कितना ही सुंदर दृश्य है ये। भगवान श्री कृष्ण कदम के पेड़ पर चढ़ चुके हैं, एक डाली पकड़े हुए हैं, और जहाँ से वो छलांग लगाने वाले हैं, सभी दर्शकों की तरफ अपना मुख दिखाते हुए उसके बाद छलांग लगाएंगे। इस मनोहर दृश्य को देखने के लिए लाखों की जनता यहाँ इकट्ठी हुई है। तो दोस्तों, अभी आपको थोड़ी देर में डमरू वादन का वो अद्भुत दृश्य दिखाई देगा, जो कि ये है। ये अपने क्षेत्र के आर्यन, सुमित और राज अपने मित्रों के साथ डमरू वादन करते हुए बड़े जोरों शोर से काफ़ी बढ़िया बजाते हैं ये लोग। तो मित्रों, कार्यक्रम लगभग समाप्ति पे है। भगवान श्री कृष्ण ने नदी में छलांग मार ली है, डमरू द्वारा वादन कर दिया गया है। ये दर्शकों की भीड़ है, जो कि आप देख सकते हैं, लाखों की जनसंख्या है यहाँ पे, सभी लोग यहाँ मौजूद है। कार्यक्रम का पूर्णतः आनंद लिया गया। आप देख सकते हैं सामने वो कदम का पेड़ है, जहाँ से भगवान श्री कृष्ण ने छलांग लगाई थी। तो कार्यक्रम की समाप्ति की ओर बढ़ चुके हैं हम। आप अपना राय जरूर दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइएगा आपको हमारे ये ब्लॉग कैसा लगा। बनारसी यादें एक तरफ से हम आप सभी दर्शकों का धन्यवाद करते हैं। अपनी राय जरूर बताइएगा कि वीडियो में क्या कमी रही, कैसी है, अपना राय जरूर दें। और ये लोग वापस जाते हुए, ये भीड़ है यहाँ पर जो कि लोग खड़े हैं देखने के लिए, कार्यक्रम खत्म होने के लिए। एक बार जोर से नारा लगाइएगा, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। और ये देखिए, हमारे डमरू दल के लोग बैठे हुए हैं, डमरू बजाने के बाद लोग बैठे हुए हैं। थोड़े देर में कार्यक्रम का समापन हो जाएगा। हर हर महादेव।